हेलो जय श्री राम एवरीवन। दोस्तों गेहूं एक ऐसी फसल है, एक ऐसा खाने की चीज़ है जिसको भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के हर देश में खाया जाता है और उगाया जाता है। बात करूं भारत की तो भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं का प्रोडक्शन होता है हरियाणा, पंजाब, यूपी, मध्य प्रदेश जैसे क्षेत्रों में। और दोस्तों आज की ये वीडियो किसानों के लिए होने वाली है। मैं उनको बताऊंगा कि गेहूं की फसल बोने से पहले और बोने के दौरान उन्हें किन किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे उनकी पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा हो और उनकी इनकम में थोड़ा इजाफा हो। तो इस वीडियो में हम उन्हीं जरूरी बातों के बारे में जानेंगे। दोस्तों अगर हमारे किसान भाई गेहूं की बुआई साइंटिफिक तरीके से करें, साइंटिफिक विधि से करें, वैज्ञानिक विधि से करें तो वो अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों गेहूं एक ऐसी फसल है जिस पे अक्सर कई सारे साइंटिस्ट रिसर्च करते ही रहते हैं कि इसका उत्पादन किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि दोस्तों एक बात तय है, रोज जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं दुनिया की जनसंख्या लगातार एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है, एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है। ऐसे में जो खेती की ज़मीन है वो तो उतनी ही है ना, तो ऐसे में गेहूं की पैदावार बढ़ाई जा सके तो इस पर हमारे साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं और उन्हीं महत्वपूर्ण बातों के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों गेहूं की फसल का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात जो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि आपको अपने क्षेत्र के हिसाब की जलवायु के हिसाब से आपकी मिट्टी के अनुसार आपको उचित किस्म का चुनाव करना चाहिए और अपने क्षेत्र के हिसाब से जलवायु के हिसाब से आपको बिल्कुल सर्टिफाइड सीड्स का उपयोग करना चाहिए, यानी कि प्रमाणित बीजों का उपयोग करना चाहिए। अब कैसे पता करें कि आपकी जलवायु के हिसाब से आपके क्षेत्र के हिसाब से कौन सी वैरायटी सही है? तो दोस्तों ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको आपके जो भी नज़दीकी किसान केंद्र, सरकारी गवर्नमेंट जो भी किसान केंद्र वहाँ पे जाकर अधिकारियों से संपर्क बनाए रखें। ऐसा करने से आपको कहीं जो भी खेती में जो भी नई योजना आती है उनका भी पता रहता है और आपको कई सारी चीज़ों की वहाँ से जानकारी मिल जाएगी। कई सारी ऐसी चीज़ें जो आपको किसान केंद्र में फ्री में मिल जाएगी लेकिन किसानों को पता ही नहीं होता तो वो करेंगे क्या, तो आप उनसे संपर्क बना के रखें और वहाँ से पता कर सकते हैं कि आपके क्षेत्र के हिसाब से कौन सी बेस्ट वैरायटी है। और दूसरी तरीके से आप पता कर सकते हैं आपके हाथों में जो ब्रह्मास्त्र है ना इंटरनेट, उससे जिससे आप वीडियो देख रहे हैं मोबाइल से, क्योंकि मोबाइल पे हर चीज़ अवेलेबल है आज के टाइम पे, बस कुछ सर्च करना है, लिखना है, टाइप करना है। साथियों दूसरी बात जो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान में रखनी है कि आप जो बीज लगा रहे हैं ना उनमें से ज़्यादा से ज़्यादा अंकुरण हो, जर्मिनेशन हो। लगभग अगर आपने 100 बीज लगाए तो उनमें से कम 85 से ज़्यादा बीज उगने चाहिए। ऐसा करने से दोस्तों मतलब इतने बीज उगेंगे ना तो आपके खेत में पौधे की कमी नहीं होगी, बराबर अच्छी मात्रा में आपके खेत में पौधे होंगे। अब दोस्तों हमें जो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर ध्यान रखना चाहिए वो है कि आपको आपके खेतों को किस तरीके से गेहूं की फसल के लिए तैयार करना चाहिए। अब जो भी मेरे आसपास किसान हैं मैं उनको देखता हूँ, वो इतनी रुचि लेते नहीं है, एक दो कल्टीवेटर निकाल दिए, मिट्टी भुरभुरी हुई नहीं हुई, खेतों में ढीमड़े रह गए, कोई मतलब नहीं होता। ऐसे में अगर आपको गेहूं की फसल से ज़्यादा उत्पादन लेना है तो मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से अपने खेतों की जुताई करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको मिट्टी पलटने वाले यंत्र से आपकी खेतों की एक जुताई कर दें, उसके बाद 2 से 3 बार हैरो या कल्टीवेटर चलाएं जिससे आपकी खेत की जो मिट्टी है वो भुरभुरी हो जाए। एक और सबसे महत्वपूर्ण बात है जिस पे ज़्यादा किसान लोग गौर नहीं फरमाते हैं, तो वो बता दूं कि आप जब भी गेहूं की बुआई करें अपने खेत में तो आपके खेत में नमी होना चाहिए थोड़ी बहुत, तो मतलब बराब जैसी सिचुएशन होनी चाहिए आपके खेतों में। क्योंकि ऐसा करने से दोस्तों अगर नमी नहीं है ना तो जब आप मतलब बीज को लगाने वाले हैं उससे 7-8 दिन पहले आपको खेतों में सिंचाई कर देनी चाहिए, यानी कि रेल देना चाहिए जिससे आपके खेतों में पर्याप्त नमी बनी रहे गेहूं के अंकुरण के लिए। साथियों अब अगली सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके खेत में उर्वरक डालना, किस तरीके से डालना है, कितनी मात्रा में डालना है। तो दोस्तों आपको आपके खेत में लगभग टोटल 120 किलो के आसपास उर्वरक खाद डालना चाहिए। इसमें से आधा यानी कि 60 किलो तो बुआई के समय डाल देना चाहिए और बचा हुआ आधा जो कि बचा हुआ 60 किलो है वो आप जब पहली सिंचाई कर दें उसके बाद देना चाहिए। और वहीं अगर आप रेतीली मिट्टी में अपनी गेहूं की फसल कर रहे हैं तो आपको लगभग 3 बार कम से कम खाद देना चाहिए। अब दोस्तों आखिरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो बुआई के वक्त की बात है कि जब भी आप अपने खेत में बुआई करें तो आपको सही समय के हिसाब से बुआई करना है।
आप नज़दीकी केंद्र से जाकर पता कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और ये सब चीज़ें अलग अलग होती है, तो हर क्षेत्र में अलग अलग चेंज हो जाता है सही टाइम बोने का। तो वहाँ से आप पता कर सकते हैं या इंटरनेट से भी कर सकते हैं। और बुआई में लगभग आप एक एकड़ ज़मीन में, मान लीजिए एक हेक्टेयर लैंड में लगभग आपको 100 किलो बीज का उपयोग करना चाहिए अगर आप सही समय पर कर रहे हैं। और अगर आप बोने में थोड़ा लेट हो जाते हैं तो वहीं आपको बीज की मात्रा बढ़ाकर 125 किलो कर देनी है। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें यार, इससे हमारा उत्साह बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है। और एक क्या कमी रह गई वीडियो में वो कमेंट करके ज़रूर बताओ, कोई फीडबैक हो तो वो भी शेयर करना ना भूलें। और अगर आप चाहें तो हमें हमारे ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल @पढ़ालिखाकिसान पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगी। तब तक के लिए मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।